कोटा में राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान के काफिले को आज एयरपोर्ट के सामने बेरोजगारों ने रोक लिया। मुख्यमंत्री राजे की गाड़ी के सामने बेरोजगार संघ के कार्यकर्ता अचानक आ गए और उनके काफिले को आगे नहीं जाने दिया। इस घटनाक्रम से पुलिस और प्रशासन में खलबली मच गई। इसके बाद सीएम ने कार से उतरकर बेरोजगार संघ के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। वहीं कलेक्टर और आईजी समेत अन्य अधिकारी भी गाड़ियों से उतरकर उनके पास पहुंच गए। उधर अफरा तफरी में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा की कार काफिले में चल रही एक अन्य कार से भिड़ गई। सुरक्षा व्यवस्था में यह बड़ी चूक मानी जा रही है। मुख्यमंत्री राजे और शिवराज सिंह का काफिला सुबह करीब 11:15 बजे किराड़ समाज के कार्यक्रम के लिए हवाई अड्डे से रवाना हुआ था। राजे की कार जैसे ही एयरपोर्ट के सामने पहुंची, यहां फूल मालाएं लेकर खड़े बेरोजगार युवकों ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया और सीएम की कार के आगे खड़े हो गए। पुलिस ने युवकों को हटाने का प्रयास किया लेकिन विफल रहे। बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सीएम की कार को चारों ओर से घेर लिया। इसके चलते मुख्यमंत्री को कार से नीचे उतरकर ज्ञापन लेना पड़ा। वहीं कोटा के खड़े गणेश स्थित धरणीधर गार्डन में आयोजित किराड़ क्षत्रिय महासभा के 11वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में दोनों सीएम शामिल हुए। वसुंधरा राजे का कहना था कि भाजपा सरकार जब आई तब राजस्थान कर्जे में डूबा हुआ था। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार 15 फरवरी तक 62,000 करोड़ का ऋण वितरित कर चुकी है और फसली ऋण पर ब्याज भी कम किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के किसानों को लगान मुक्त किया गया है। अधिवेशन में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विचार रखे।